हेलो स्टूडेंट्स तो ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट टू थाउजेंड एंड सिक्स एग्जाम में फोर मार्क्स के लिए फर्स्ट पार्ट टू मार्क्स का है अगला पार्ट भी टू मार्क्स का सीपीजी टू केबी डायरेक्ट मैप्ड कैश विद वन टी एट बाइट ब्लॉक साइज सपोज ए इज अ टू डायमेंशनल अरे ऑफ साइज फाइव वन टू क्रॉस फाइव वन टू With the elements that occupy 8 bytes each. Consider the following C code segments P1 and P2. So you just have a look at these two codes, the program P1 and program P2. After that, they are saying P1 and P2 are executed independently with the same initial state, namely the array A is not in the cache and i, j, x are in integers. लेट नंबर ऑफ कैश मिस एक्सपीरियंसड बाय पी वन बी एम वन एंड दैट फॉर पी टू बी एम टू वैल्यू ऑफ एम वन इज ओके सो आपको बताना है एम वन की वैल्यू क्या है यानी कि प्रोग्राम पी वन कितने मिसेस इनकाउंटर करेगा अब गिवन है आपको कि ये वेरिएबल्स रजिस्टर्स में है यानी कि इनमें या आप कह सकते हो कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में कोई मिस नहीं होगा मिस होंगे सिर्फ इस एरे के डाटा के लिए ओके okay. जो एरे मैंने यहां पे बना रखा है क्वेश्चन में गिवन है अ टू डी एरे ऑफ फाइव वन टू क्रॉस फाइव वन टू एलिमेंट्स ईच ऑफ एट बाइट ओके फाइव वन टू क्रॉस फाइव वन टू फ्रॉम रोजो टू रो फरली टू कॉल अब यह एरे देखो इसे किस वे में एक्सेस सॉरी ये प्रोग्राम इस एरे को किस वे में एक्सेस करना चाहता है आई इज इक्वल टू जीरो ओके okay. और जे इज इक्वल टू जीरो टू फाइव वन टू अब जो ज्यादा रैपिडली चेंज हो रहा है वो होगा जे बिकॉज जे इनर लूप है और जे हम यूज कर रहे हैं एज अ कॉलम इंडेक्स यानी कि हम रो बाय रो एक्सेस करना चाहते हैं क्योंकि रो वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा यानी कि रो वेरिएबल मान लो जीरो है उसके लिए जो कॉलम वेरिएबल है वो जीरो से फाइव वन टू तक जाएगा मीन्स जीरो 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 वन जीरो हम इसे रो बाय रो एक्सेस करना चाहते हैं सेकंड थिंग इज ये सेव कैसे हुआ है मेमरी में ये कैसे पड़ा क्योंकि ये एक सी लैंग्वेज का कोड है तो ये रो मेजर ऑर्डर में सेव होगा यानी कि सेव भी हुआ है रो बाय रो और एक्सेस भी हो रहा है रो बाय रो रो मेजर ऑर्डर कहने का मतलब कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस पर एलिमेंट्स इस वे में पड़े होंगे पहले ये फिर ये फिर ये सो ऑन टिल लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस रो उससे अगली मेमोरी लोकेशन में यहां पर ये वाला एलिमेंट होगा उसके बाद ये होगा ये सो ऑन रो बाय रो एलिमेंट्स मेमोरी में सेव हुए पड़े हैं एक्सेस भी हम उसी वे में करना चाहते हैं यानी कि ये रो उसके बाद ये रो ओके okay. अब क्वेश्चन में आपको गिवन है ब्लॉक साइजेस 128 बाइट जब इस एरे को हम रैम में लाएंगे तो ये ब्लॉक्स में भी स्प्लिट हो जाएगा यानी कि रोज में तो पहले ही हम मान चुके हैं कि ये फाइव वन ट्वेल्व रोज है एक्चुअली ये कॉन्टिन्यूस लोकेशन पर सेव होगा बट हम मान रहे हैं या फॉर इंटरप्रिटेशन हम इसे ऐसा एक स्कोर ब्लॉक मान रहे हैं एक्चुअली ये कॉन्टीन्यूस एलिमेंट्स होंगे हम मान रहे हैं कि 512 रोज़ हैं उन रोज़ में भी आगे ब्लॉक्स होंगे और हर एक ब्लॉक का साइज है 128 बाइट ओके लेट्स सी कि इसमें कितने ब्लॉक्स होंगे अब आप देखो एक एलिमेंट का साइज है 8 बाइट्स क्वेश्चन में गिवन है एक ब्लॉक में हम 128 बाइट्स रख सकते हैं यानी कि एक ब्लॉक में इस अरे के कितने एलिमेंट्स आएंगे लेट्स सी ब्लॉक तो साइज है 128 बाइट्स और एक एलिमेंट का साइज है 8 बाइट्स यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर ब्लॉक आएंगे 16 ओके okay. 16 तो हम इस एरे में से 16 16 एलिमेंट्स को ग्रुप करके एक एक ब्लॉक में रखे जा रहे हैं ओके लेट्स नेम दो से जो पहले सिक्सटीन एलिमेंट्स है वो ब्लॉक नंबर जीरो में है ब्लॉक जीरो कंटेन्स द स्टार्टिंग सिक्सटीन एलिमेंट्स ऑफ दिस एरे ओके तो स्टार्टिंग के सिक्सटीन एलिमेंट्स यानी कि ए जीरो जीरो से लेके ए जीरो फिफ्टीन लाइक like दिस अब उसके बाद ए सिक्सटीन से लेके ए थर्टी वन तक जो एलिमेंट्स होंगे वो ब्लॉक नंबर वन में होंगे क्योंकि हर ब्लॉक में एलिमेंट्स हैं सिमिलरली ये सारे एलिमेंट्स 16, 16 के ब्लॉक्स में ग्रुप हो जाएंगे अब देखो एक रो में ब्लॉक्स कितने बने रो में टोटल 512 एलिमेंट्स हैं ओके हर रो में 512 एलिमेंट्स सेव किए हुए हैं एक ब्लॉक में 16 एलिमेंट्स आ पा रहे हैं तो हर रो में ब्लॉक्स कितने होंगे वो होगा रो साइज यानी कि 512 हंड्रेड एंड ट्वेल्व बाय ब्लॉक साइज जो कि है 16। तो ये आया 32 बिकॉज दिस इज टू रेस टू दावर नाइन दिस इज टू रेस टू दावर फोर तो जो बचेगा वो होगा टू रेस्ट टू दी पावर फाइव कहने का भाव है कि हर रो में बत्तीस बत्तीस ब्लॉक्स हैं तो इस रो में भी थर्टी टू ब्लॉक्स रो में भी थर्टी टू ब्लॉक्स सो ऑन इस रो में भी थर्टी टू ब्लॉक्स यानी कि जब हम रैम में देखेंगे तो ये एरे की एक रो बत्तीस कॉन्टिन्यूस ब्लॉक्स में पड़ी होगी सेकेंड रो अगले बत्तीस ब्लॉक्स में पड़ी होगी क्योंकि ये एड्रेसेस भी कॉन्टिन्यूस हैं ओके okay. अब देखो फर्स्ट रो का लास्ट ब्लॉक कौन सा होगा ब्लॉक जीरो से शुरू करें थर्टी टू तक काउंट करना यानी कि लास्ट ब्लॉक होगा ब्लॉक नंबर थर्टी वन ओके उसमें भी कुछ एलिमेंट्स होंगे सिमिलरली नेक्स्ट रो में होगा ब्लॉक नंबर थर्टी टू तो इसमें भी कुछ एलिमेंट्स होंगे वो होंगे वन जीरो से लेके वन कॉमा जीरो से लेके वन कॉमा फिफ्टीन तक ओके okay. सिमिलरली अगली रो इस रो में भी थर्टी टू ब्लॉक्स होंगे उसके बाद अगली रो में होगा ब्लॉक नंबर सिक्सटी फोर ओके यहां भी कुछ एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 20 से लेकर 215 तक सो so ऑन हर फाइव वन टो में बत्तीस बत्तीस ब्लॉक्स हैं जिनकी नंबरिंग भी हम कर चुके हैं अब देखो जब हम एलिमेंट जीरो जीरो को एक्सेस करना चाहेंगे यानी कि जब इस लूप की पहली आइट्रेशन होगी वेन आई जीरो 0, तो हम इस एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं ओके okay. यानी कि हम इस ब्लॉक को एक्सेस करना चाहते हैं आपको पता है अगर कोई भी मिस हो यानी कि किसी ब्लॉक में एक वर्ड भी मिस हो हम पूरा ब्लॉक ही कैश में ले आएंगे ओके okay. अब इनिशियली कैश एम है यानी कि कैश मिस होगी हम चाहते हैं ये वर्ड बट हम पूरा ब्लॉक ही कैश में ले आएंगे क्योंकि कैश मिस हुई देखो ये एलिमेंट जीरो जीरो कैश में नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे इस मिस को सर्विस करने के लिए पूरा ब्लॉक कैश में ले आएंगे ओके। एक हुई, बट पूरा ब्लॉक कैश में आ गया अब जब आप एलिमेंट को एक्सेस करोगे यह भी इसी ब्लॉक में मिलेगा राधर वन फ़िफ्टीन तक सभी एलिमेंट इसी ब्लॉक में मिलेंगे तो एक मिस के लिए पंद्रह हिट्स हुई यानी कि हर ब्लॉक के पहले एलिमेंट पे आपको मिस मिलेगी बट अगले पंद्रह एलिमेंट्स में हिट होगी जैसे कि अब इस एलिमेंट के बाद आप एक्सेस करोगे जीरो सिक्सटीन को यानी कि रो में आप आगे आगे जाते जा रहे हो अब क्योंकि ब्लॉक वन कैश में नहीं है तो यह पहला एलिमेंट तो होगा मिस बट इस मिस को सर्विस करने के लिए पूरा ब्लॉक कैश में आ जाएगा तो अगले पंद्रह एलिमेंट सेट होंगे क्योंकि वो कैश में मिलेंगे ओके ना यू कैन सी कि हर ब्लॉक में सिर्फ पहला एलिमेंट मिस हो रहा है उसके बाद सभी हिट्स हो रही हैं ओके okay, यानी कि जितने ब्लॉक्स होंगे टोटल उतनी ही मिसेज होंगी मींस इस प्रोग्राम में हमें ढूंढना था कितनी मिसेज हो रही हैं, मिसेज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लॉक्स हम प्रूव कर चुके हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि इस एरे में कितने ब्लॉक्स हैं ओके सो लेट्स फाइंड आउट द नंबर ऑफ ब्लॉक्स ऑफ दिस एरे थर्टी टू इंटू फाइव यानी कि जितनी रोज हैं है मल्टीप्लाइडी थर्टी टू ब्लॉक्स नाइन मल्टीप्लाइड बाई टू पावर फाइव दैट कम्स टू बी टू पावर फोर्टीन तो ए पार्ट का आंसर हुआ टू रेज टू दावर फोर्टीन विच इज वन सिक्स थ्री एट फोर सिक्सटीन 1384 एंड एटी फोर तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन सी वन सिक्स थ्री एट फोर ओके अब ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर टू या इस क्वेश्चन का पार्ट टू तो उससे पहले यहां पे नोट कर लें कि पार्ट वन का आंसर आया था टू रेज टू दावर फोर्टीन ओके तो पार्ट टू में हमें एक रेशो ढूंढनी है एम टू बाय वन लेट मी सी और लेट्स रीड द क्वेश्चन टुगेदर फाइंड द वैल्यू ऑफ रेशो एम वन बाय एम टू ओके एम वन बाय एम टू ढूंढना है मैंने शायद एम टू बाय वन कह दिया था एनी मेन बात है कि हमें इस प्रोग्राम में कितनी मिसेज होंगी वो पता करना है ओके okay. अब इस प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में फर्क यह है कि यहां पे हम रो बाय रो एक्सेस कर रहे थे बट यहां पे हम कॉलम बाय कॉलम एक्सेस कर रहे हैं मींस इस एरे को ऐसे एक्सेस करेंगे पहला कॉलम फिर दूसरा कॉलम फिर तीसरा कॉलम सो ऑन फाइव वन वन नंबर का कॉलम ओके okay. देखो यहां पे जो वेरिएबल कम चेंज हो रहा है यानी कि बहुत स्लो चेंज हो रहा है उसे हम कॉलम इंडेक्स मान रहे हैं यानी कि कॉलम्स कम चेंज होंगे तो पहले इस कॉलम को एक्सेस किया जाएगा क्योंकि आप देखो ये तो सेम ही रह रहा है आई की वैल्यू जीरो ही रहेगी जे की वैल्यू जाएगी जीरो से फाइव वन ट्वेल्व तक और जे हम रो इंडेक्स यूज कर रहे हैं यानी कि रोज चेंज होते जाएंगी कॉलम वही रहेगा उसके बाद जब आई की वैल्यू वन होगी फिर से हम इस पूरे कॉलम को एक्सेस करेंगे ओके यानी कि सेव तो इसे किया गया था रो बाय रो मेमोरी में ये पड़ा है रो बाय रो हम एक्सेस करना चाहते हैं कॉलम बाय कॉलम ओके मींस इस ब्लॉक का पहला एलिमेंट एक्सेस होगा जीरो जीरो उसके बाद हम वन जीरो एक्सेस करना चाहते हैं यानी कि ब्लॉक जीरो के बाद ये थर्टी वन ब्लॉक्स छोड़कर हम थर्टी सेकेंड ब्लॉक का पहला एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हैं उसके बाद हम सिक्सटी फोर्थ ब्लॉक का पहला एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हैं उसके बाद आएगा ब्लॉक नंबर नाइंटी सिक्स हम 96 सिक्स ब्लॉक का पहला एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हैं उसके बाद शायद ब्लॉक नंबर वन ट्वेंटी एट होगा एंड सो ऑन यू कैन जस्ट सी इट मींस हर एलिमेंट जो हम एक्सेस कर रहे हैं वो एक नए ब्लॉक में है इनिशियली कैश में कोई भी ब्लॉक नहीं था यानी कि ये सारे एलिमेंट मिस होंगे ओके okay. अब कुछ लोगों को लग सकता है कि पहला कॉलम मिस हुआ उसके बाद जब हम इस कॉलम को एक्सेस करेंगे वो हिट होगा क्योंकि ये ब्लॉक जीरो तो हम ऑलरेडी कैश में लाके रख चुके हैं जब पहली मिस हुई थी जीरो जीरो एलिमेंट के लिए तब ये ब्लॉक कैश में आ गया सेकंड मिस के लिए ये ब्लॉक कैश में आ गया यानी कि हर रो का पहला ब्लॉक कैश में आ चुका है तो अगले पंद्रह रोज सॉरी अगले पंद्रह कॉलम्स हिट होंगे दैट्स रॉन्ग कैसे हम कह पा रहे हैं कि वो हिट नहीं होंगे आप देखो कैश में ब्लॉक्स कितने हैं कैश का साइज ऐसा भी तो हो सकता है कि कैश का साइज कम हो और ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स ज़्यादा हो, यानी कि ये सभी हिट्स को सॉरी ये सभी मिसेस को सर्विस करते वक्त हम ब्लॉक्स कैश में ला रहे हैं और अगर कैश का साइज कम हुआ तो जो ब्लॉक सबसे पहले आया था वो रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि हम डायरेक्ट मैपिंग यूज कर रहे हैं तो यहां कहीं जाके बीच में हो सकता है इनमें से कोई एक ब्लॉक दोबारा इसी जगह पे मैप हो जाए जहां पे ए जीरो जीरो वाला ब्लॉक मैप हुआ था ओके okay. तो लेट्स सी क्या वो हो रहा है या नहीं कैश का साइज है थर्टी टू के बी एक ब्लॉक का साइज है वन ट्वेंटी एट बी तो कैश में ब्लॉक्स कितने होंगे ब्लॉक्स इन कैश दिस विल बी थर्टी टू के बी बाय ट्वेंटी एट बी यानी कि कैश साइज बायोक साइज यह आपको देगा नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन कैश तो थर्टी टू के बी होता है टू रेज टू दावर फिफ्टीन वन ट्वेंटी एट बी होगा टू रेज टू दावर सेवन इन्हें डिवाइड करेंगे आपके पास आएगा टू रेज टू दावर फिफ्टीन माइनस सेवन यानी कि एट ओके तो ये बनेगा 256 ब्लॉक्स मतलब कि कैश में टोटल 256 ब्लॉक्स है अब पहले कॉलम को एक्सेस करने के लिए ही 512 ब्लॉक्स कैश में लाना चाहते हो मतलब ऑलमोस्ट इसके हाफ में पहुंचकर कैश भर चुकी होगी अब जब अगला एलिमेंट कैश में लाना चाहोगे तो ये वाला रिप्लेस हो जाएगा उससे अगला लाना चाहोगे तो ये वाला रिप्लेस हो जाएगा एंड ऑफ द फर्स्ट कॉलम जब आप फर्स्ट कॉलम के एंड में पहुंच जाओगे मीन्स ये वाला एलिमेंट एक्सेस कर चुके होंगे तब स्टार्टिंग के हाफ ऑफ द ब्लॉक्स कैश में नहीं होंगे मतलब ये वाला एक्सेस भी मिस होगा सो so ऑन ये पूरा कॉलम ही मिस होगा ये भी मिस होगा सारे के सारे एलिमेंट्स मिस होंगे क्योंकि कैश का साइज इतना है ही नहीं कि हम वहां पे इतने एलिमेंट्स रख सकें कि 512 एलिमेंट्स एक्सेस करने के बाद भी जब अगले एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं तो वो वाला ब्लॉक कैश में हो ओके okay. सीधी सी बात है आप ब्लॉक्स तो इस तरफ बना रहे हो यानी कि ब्लॉक्स हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बट आप एक्सेस कर रहे हो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्चुअली अगर हम मेमोरी को देखें वहां हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कुछ नहीं होगा ये सिर्फ हम समझने के लिए बना रहे हैं यानी कि मेमोरी स्क्वायर थोड़ी ना है कि ऐसे उठा के ऐसे का ऐसे ही हम रैम में रख देंगे मेमोरी तो हम ये मान सकते हैं कि वन डायमेंशनल अरे ऑफ लोकेशन है तो उसमें ये एक के बाद एक ही आएंगे एड्रेसेस यानी कि इसके बाद अगला एड्रेस यहाँ पे होगा और वो ये वाला होगा ओके एक्चुअली एड्रेस नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये एट एड्रेसेस कंज्यूम कर रहा है एट बाइट्स का है एनी आप समझ चुके हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ तो यहां पे हर एक एलिमेंट मिस होगा मतलब कि नंबर ऑफ मिसेज होंगी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि है फाइव वन टू फाइव वन देखो वैल्यू ऑफ एम टू इज इक्वल टू फाइव वन टू इंटू फाइव वन टू एम वन हम ढूंढ चुके थे टू रेस टू दावर फोर्टीन सो एम वन बाय टू विल बी एम वन बाय एम टू इज इक्वल टू टू पावर फोर्टीन और ये आ जाएगा नाइन प्लस नाइन यानी कि टू पावर एटीन सो दिस कम्स आउट टू बी वन डिवाइडेड बाई सिक्सटीन यानी कि आपका आंसर है वन बाय सिक्सटीन फॉर सेकेंड क्वेश्चन आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा कि हर एलिमेंट एक मेस कैसे है बट स्टिल आई लाइक टू समराइज इट देखो आप इस डायरेक्शन में एक्सेस करते जा रहे हो जब आप इन सभी ब्लॉक्स को कैश में ले आओगे क्योंकि हम हर ब्लॉक का पहला पहला एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं तो सारे मिसेज होंगे यानी कि सारे ब्लॉक्स कैश में आ जाएंगे बट इन सभी को कैश में रखने के लिए स्टार्टिंग वाले कुछ ब्लॉक्स डिलीट हो चुके होंगे मतलब कि ये वाला जो ब्लॉक है कैश में से डिलीट हो चुका होगा जब आप इसे एक्सेस कर रहे हो यानी कि इसके बाद आप सेकंड कॉलम में जाओगे इसे एक्सेस करोगे तो यह भी मिस होगा सिमिलरली सारे एलिमेंट्स मिस हो जाएंगे ओके okay. तो सेकंड पार्ट का आंसर है वन बाय सिक्सटीन ओके